हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारा इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर हमारा चल रहा है, उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो देखिए, इनफाइनाइट सीरीज में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो कोई सीरीज होती है, मान लीजिए समेशन ए एन हमारी कोई सीरीज है, तो इसके बिहेवियर 4 टाइप के हो सकते हैं, 4 टाइप से ये बिहेव कर सकती है। अब पहला क्या हो सकता है कि ये कन्वर्ज करे एक फाइनाइट क्वांटिटी को, ये कन्वर्ज कर रही है एक फाइनाइट क्वांटिटी को, यानी ए को कन्वर्ज कर रही है, ये फाइनाइट है यानी ये कन्वर्ज कर सकती है। तो इसे बोलते हैं कि जो समेशन ए एन है, यानी कि एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है जो हमें, जो हमें इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, यानी कि उसका फाइनाइट सम एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर हम एक इनफाइनाइट सीरीज की सारी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो उसका सम जो आ रहा है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, तब हम कहते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है, वो कन्वर्जेंट है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारी जो सीरीज है वो, उसका जो सम आए वो या तो प्लस इन्फिनिटी आए और या फिर माइनस इन्फिनिटी आए। तो इन दोनों केसेज में, यानी सम हमारा जो आ रहा है वो इनफाइनाइट आ रहा है, यानी जब हम इस जो सीरीज है उसकी सभी टर्म्स को ऐड करते हैं, तो जो सम आता है वो इन्फिनिटी आता है या माइनस इन्फिनिटी आता है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, हमारी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है, वो हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। उसके अलावा जो नेक्स्ट केस है हमारा, कि हमारी सीरीज का सम जो है वो ओसिलेट करता हो, ओसिलेट्स फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, दो तरीकों से कर सकता है, ओसिलेट फाइनाइटली करेगा या इनफाइनाइटली करेगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर फाइनाइटली में ऑप्शन होंगे कि सम या तो ये वाली क्वांटिटी आएगा या ये वाली फाइनाइट क्वांटिटी आएगा या ये वाली फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। यानी कि इसे हम बोलते हैं, जब हमारी सीरीज के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो जाते हैं तो वो ओसिलेट करती है फाइनाइटली। और इनफाइनाइटली कब होगी, जब हमारा सम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, यानी कि हमारी सीरीज जो है वो ओसिलेट करेगी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, यानी इसके सिर्फ 2 लिमिट पॉइंट होंगे। जब हमारे 2 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे, एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी किसी सीरीज के रेफरेंस में, तो हम ये बोलते हैं कि वो सीरीज क्या है हमारी, ओसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली, ओसिलेट ओसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली। और फाइनाइटली कब करेगी, जैसे मैंने बताया मोर देन 1 लिमिट पॉइंट होगा, जब हमारा मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, यानी जब हमारे किसी सीरीज के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो, तब हम ये बोलते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है फाइनाइटली। तो इस तरीके से हमें इस चीजों का पता होना चाहिए। अब आप देखिए कि कुछ मैं रिजल्ट्स बताऊंगा आपको, वो रिजल्ट्स प्रूफ नहीं करने हैं, हमें सिर्फ याद रखने हैं, क्योंकि उनका हम कहीं पर भी यूज करेंगे। देखिए, अब सबसे पहला रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट नंबर जो 1 हम करने जा रहे हैं, ये आपकी बुक में प्रूफ भी दिए हुए हैं, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये जो रिजल्ट हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहीं भी यूज हो जाएंगे, इनका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने का मीन्स ये है, मान लीजिए आपकी एक कोई सीरीज है ए एन, और अगर ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करती है या फिर ये डाइवर्ज करती है, और या फिर ये ओसिलेट करती है फाइनाइटली, और या ओसिलेट करती है ये इनफाइनाइटली, ये सब मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में भी, डिटेल में सारे एग्जांपल भी करवाए जा चुके हैं, और अब मैंने आपको दोबारा रिवीजन भी करवा दी है। या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, या ओसिलेट करेगी फाइनाइटली या इनफाइनाइटली। तो अब देखिए, इन चारों केसेस के अंदर ये हमारी फर्स्ट जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि मैं अगर प्लस कर दूं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर देता हूं,
तो जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट इज अनअल्टर्ड। क्या मीनिंग हुआ इस बात का, अब आप समझेंगे। देखिए, इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारी कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या ओसिलेट कर रही है फाइनाइटली या ओसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली, और इस सीरीज के अंदर मैं अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को या तो ऐड कर देता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। फाइनाइट का मतलब 5 टर्म्स भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है। करोड़ भी क्योंकि फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब जिसका काउंट किया जा सके। तो यानी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को मैं ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ किसी सीरीज में से, और जैसा उसका बिहेवियर पहले था तो वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। यानी कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है और इसके अंदर मैं कुछ टर्म्स को ऐड कर देता हूं या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तब भी ये सीरीज उसके बाद भी कन्वर्जेंट ही रहेगी। अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है, इसके अंदर मैं कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर देता हूं या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तब भी ये डाइवर्जेंट ही रहेगी। इसी तरीके से इन दोनों केस में अगर वो ओसिलेट कर रही है फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, मैं उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तब भी उसका बिहेवियर सेम ही रहेगा। तो ये कहने का मीन्स ये है कि हमारी कोई भी सीरीज है, उसका बिहेवियर जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से चेंज नहीं होता। देखिए, अगर हमारे पास दो सीरीज है, एक सीरीज समेशन ए एन है और वो किसी फाइनाइट क्वांटिटी ए को कन्वर्ज कर रही है, और दूसरी सीरीज है हमारे पास बी एन और वो कन्वर्ज कर रही है किसी दूसरी फाइनाइट क्वांटिटी बी को, तो रिजल्ट ये है कि समेशन ए एन प्लस समेशन बी एन, यानी कि इस सीरीज की और इस सीरीज की टर्म, कोरस्पोंडिंग टर्म्स को मैं अगर ऐड करूंगा तो एक नई सीरीज बनेगी, समेशन ए, ये बनेगी आपकी समेशन ए एन प्लस बी एन। तो जो ये नई सीरीज बनी है, ये कन्वर्ज करेगी इन दोनों क्वांटिटी के एडिशन को। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, सिंपल सा रिजल्ट है। यानी कि दो सीरीज है, अलग अलग क्वांटिटी को वो कन्वर्ज कर रही है, हो सकता है बी ए के इक्वल भी हो, सेम को भी कर सकती है। तो उन दोनों का जो सम होगा, इनकी क्रोस्पोंडिंग टर्म्स का सम होगा, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म में ऐड करूंगा, इसकी सेकेंड टर्म में ऐड करूंगा, थर्ड टर्म में ऐड करूंगा, तो एक नई सीरीज आएगी। तो वो सीरीज जो है वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, जहां पर फर्स्ट सीरीज कन्वर्ज कर रही थी, प्लस में जहां पर सेकंड सीरीज कन्वर्ज कर रही है वहां उन दोनों के सम को। तो इसी तरीके से माइनस का रिजल्ट होल्ड करेगा कि जो हमारी अगर दो सीरीज हैं तो वो कहाँ, अगर एक ए को कन्वर्ज कर रही है, एक बी को कन्वर्ज कर रही है, तो उन दोनों की सब्ट्रैक्शन कहाँ कन्वर्ज करेगी, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को कन्वर्ज करेगी। इसी तरीके से थर्ड रिजल्ट है कि समेशन के एन, यानी कि मैं अगर किसी सीरीज के सीरीज को जहां पर के जो है हमारी क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, के इज फाइनाइट, तो ये जो सीरीज नई बनेगी, यानी एक सीरीज है समेशन ए एन जो ए को कन्वर्ज कर रही है, इसकी हर टर्म को किसी एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो नंबर सिर्फ फाइनाइट होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये जो सीरीज है ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, जहाँ समेशन ए एन सीरीज कन्वर्ज कर रही थी, यानी कि उसके के टाइम मल्टीप्लाई पर ये कन्वर्ज करेगी। तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, तीनों के तीनों ये रिजल्ट हम कहीं भी यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है और एक सीरीज डाइवर्ज कर रही है, थर्ड रिजल्ट है हमारा। मान लीजिए आपकी समेशन ए एन तो कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्ज कर रही है फाइनाइट क्वांटिटी को, और जो समेशन बी एन है वो कन्वर्ज कर रही है या तो इन्फिनिटी को और या फिर माइनस इन्फिनिटी को, यानी कि ये डाइवर्जेंट है। तो इन दोनों का जो सम होगा, यानी समेशन ए एन प्लस बी एन, तो जो नई सीरीज आएगी तो वो
जो है वो भी क्या करेगी, या तो प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगी और या फिर माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप छोटे छोटे से एग्जांपल लेकर खुद चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिजल्ट्स कहीं पर भी यूज हो जाएंगे, यानी एक कन्वर्जेंट है और एक डाइवर्जेंट है। तो जो नई सीरीज आएगी इन दोनों का सम आएगा, वो भी क्या करेगा, या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी जो ये नई सीरीज आएगी एडिशन करने के बाद, ये भी क्या करेगी, या तो कन्वर्ज या तो यानी कि वो डाइवर्जेंट रहेगी। कहने का मीन्स हमारा ये है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट रिजल्ट हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी एक सीरीज कन्वर्ज, दोनों सीरीज डाइवर्जेंट है, ए एन इज डाइवर्जेंट, समेशन ए एन एंड समेशन बी एन इज डाइवर्जेंट, तो क्या अब इन दोनों का सम भी डाइवर्जेंट होगा? देन समेशन ए एन प्लस बी एन नीड नोट टू बी डाइवर्जेंट, नीड नोट टू बी डाइवर्जेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए, देखने में ऐसा लगता है वैसे कि हम भाई जब दोनों ही डाइवर्ज कर रही है, ये भी डाइवर्ज कर रही है, ये भी डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज करने का मतलब इसका जो सम आएगा वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा, इनकी सारी टर्म्स का सम प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इन दोनों को सम करके जो सीरीज आएगी उसका भी सम जो होगा वो या तो प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए या माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हो सकता है आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आएगा। देखिए, अब उसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। ये देखिए कि अगर दो सीरीज डाइवर्जेंट है तो उनका जो सम है वो डाइवर्जेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए मैं आपको उसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, मैंने ये दो सीरीज ली है, एक समेशन एन स्क्वेयर ली है मैंने और एक समेशन एन स्क्वेयर ली है। अब ये देखिए, अगर मैं, या इसको मैं कहिए आपने माइनस एन स्क्वेयर ली है, मैंने ये कहिए आप समेशन माइनस एन स्क्वेयर ली है, तो इन दोनों का यानी ये समेशन ए एन है आपकी और ये समेशन बी एन है। तो ये देखिए, ये दोनों की दोनों सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है, बोथ आर डाइवर्जेंट। तो यानी ये जो हमारी सीरीज जाती है, ये जाती है किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, और ये जाती है आपकी सीरीज किसकी तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यानी ये भी डाइवर्जेंट है और ये भी हमारी सीरीज डाइवर्जेंट है। अब आप देखिए, इन दोनों का सम यानी समेशन ए एन प्लस बी एन क्या बनेगा, ये देखिए इसका सम बनेगा जीरो, यानी इसकी हर टर्म जीरो आएगी। तो जब हर टर्म जीरो आ रही है और जीरो जीरो को मैं इनफाइनाइट टाइम ऐड करूंगा तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि जो ये सीरीज है आपकी, ये क्या हो गई आपकी, ये कन्वर्जेंट हो जाती है, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रही है एक फाइनाइट क्वांटिटी को। तो यानी कि अगर दो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो तो ऐसा हो सकता है कि उनका सम या उनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो कन्वर्ज कर जाए, या डाइवर्ज भी कर सकती है, कन्वर्ज भी कर सकती है, ओसिलेट यहाँ पर यानी कि कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, सॉरी ओसिलेट नहीं करेगी। अब देखिए, जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया कि भाई दो सीरीज जो थी ये डाइवर्जेंट थी और लेकिन इनका सम कहाँ क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अब इसी तरीके से आप देखिए दूसरा एग्जांपल, मैंने एक सीरीज ली समेशन एन और एक सीरीज ली मैंने समेशन टू एन। तो ये देखिए समेशन एन और समेशन टू एन, इसको आप कह लीजिए मैं माइनस टू एन ली है, समेशन माइनस टू एन, यानी हर टर्म नेगेटिव ली है मैंने यहाँ पर। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये समेशन ए एन हो गई हमारी और ये हो गई आपकी समेशन बी एन। ये भी ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, इन्फिनिटी को, ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, माइनस इन्फिनिटी को। अब मैं इन दोनों का सम ले लेता हूँ, समेशन ए एन प्लस बी एन, आप देखेंगे तो ये कहाँ जाएगी, देखिए समेशन एन माइनस टू एन, यानी ये आपकी बनेगी समेशन माइनस एन, और ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, आपको साफ क्लियर दिख रहा है ये कन्वर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को, क्योंकि ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये बनेगी, और ये आपका कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इन सबको हम ऐड करेंगे अगर पूरी काउंटिंग को तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, लेकिन ये माइनस लगा है तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। यानी ये क्या है हमारी, डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी को। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री,
इसमें समेशन ए एन तो मैं ले लेता हूँ 2n, और बी एन को ले लेता हूँ मैं -n, ये आपने लिया। अब ये समेशन ए एन है और ये आपकी समेशन बी एन है। अब ये देखिए, ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है इन्फिनिटी को, ये माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रही है। अब यहाँ पर अगर आप समेशन ए एन प्लस बी एन करते हैं तो देखिए समेशन 2n माइनस एन करेंगे, यानी कि ये समेशन n बनेगा, और समेशन n किसको कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी को। तो देखिए एक जगह तो सम कन्वर्ज कर रहा था जब दोनों सीरीज डाइवर्जेंट थी, जब दोनों सीरीज डाइवर्जेंट थी तो एक जगह सम कन्वर्ज कर रहा था, जब दोनों सीरीज डाइवर्जेंट थी तो एक जगह सम डाइवर्जेंट था और डाइवर्ज कर रहा था माइनस इन्फिनिटी को, एक जगह जब दोनों सीरीज डाइवर्जेंट थी तो उनका सम डाइवर्ज कर रहा था इन्फिनिटी को। तो जो सम है वो या तो डाइवर्ज करेगा या फिर कन्वर्ज भी कर सकता है, और डाइवर्ज के केस में वो प्लस इन्फिनिटी को भी कर सकता है डाइवर्ज, और माइनस इन्फिनिटी को भी कर सकता है डाइवर्ज। तो ये सारे के सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि हमें वैसे हमारे माइंड में यही आता है कि अगर दो सीरीज कन्वर्जेंट होने पर, जब उनका सम कन्वर्जेंट होता है तो डाइवर्जेंट होने पर उनका सम डाइवर्जेंट ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनका सम जो है वो डाइवर्जेंट हो भी सकता है और ना भी हो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये छोटे छोटे रिजल्ट थे जो हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी थे। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये थ्योरम है, यानी ये कहेंगे हम कोशी ने एक क्राइटेरिया दिया था कि जिसे हमने कहा है कन्वर्ट की कौन सी सीरीज कन्वर्ज जो होती है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ये उसने हमें दिया था। तो उसके लिए हम रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत इजी सा है, अगर अभी आप प्रूफ देखेंगे आपको बिल्कुल समझ आएगा। स्टेटमेंट देखिए, मैं बुक में ही आपको दिखा रहा हूँ इसकी क्या स्टेटमेंट है, ये देखिए, ये हमें गिवन है कि इनसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर ए सीरीज ए एन टू कन्वर्ज इज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट मोड ऑफ am+1 am+2 an का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो देखिए सर, ये पहले तो स्टेटमेंट समझिए क्या मीन्स है उसका कहने का। देखिए मान लीजिए आपके पास समेशन ए एन कोई सीरीज है, तो समेशन ए एन सीरीज है तो देखिए इसमें ए वन भी आएगा, ए टू भी आएगा, इस तरीके से हम चलते रहेंगे और लास्ट कहीं ना कहीं पे ए एन भी आएगा, ए एन प्लस वन भी आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है और ये इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। अब आप देखिए वो ये कह रहा है कि कोई भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा एम। किस तरीके से आएगा, कि मैं एम के बाद वाली टर्म्स लूं, कहां तक लूं उनका सम, एन तक, तो वो किससे लेस हो जाएगा, वो एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। तो क्या मीन्स है देखिए उसका यहां पर इस बात को कहने का। अब आप देखिए समझिए, वो ये कह रहा है कि आपने अपने एप्साइलन को, देखिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ एप्साइलन का मतलब क्या है, एक ना के बराबर क्वांटिटी है, यानी कि बहुत ही छोटा नंबर है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा, यानी ना के बराबर नंबर है। मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए अगर ग्राफिकली कहे तो ये कितना कितना छोटा डिस्टेंस है, क्योंकि ग्राफिकली डिस्टेंस एप्साइलन है, एप्साइलन एक डिस्टेंस है, और वैसे ये मैथमेटिकली एक नंबर है। तो अब ये नंबर कितना छोटा हो सकता है, मैं इस तरीके से ले लूँ 0.00000001 ले लिया मैंने, देखिए इससे भी छोटा ले सकते हैं आप, ये देखिए कितना छोटा नंबर लिया मैंने। आप 100 बार 0 लगा के फिर 1 लगाइए, देखिए कितना छोटा नंबर होगा। तो वो ये कह रहा है कि एक ना एक टर्म जो है आपको ऐसी जरूर मिलेगी इस सीरीज के अंदर, ये सीरीज देखिए इन्फिनिटी तक जा रही है, इसमें एक टर्म आपको जरूर मिलेगी, यानी कि एक एमथ टर्म आपको जरूर मिलेगी, वो जो टर्म है वो कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी नंबर पर हो सकती है, कि अगर हम उस टर्म के बाद वाले टर्म लेंगे, और कहाँ तक लेंगे, एन तक लेंगे,
एन भी, यानी कि एक फाइनाइट नंबर तक ले लेंगे, मतलब हम कुछ टर्म्स लेंगे एन तक, एम प्लस वन से शुरू होकर एन तक लेंगे, तो उनका सम जो होगा, जो ये नंबर हमने सोचा है, इससे भी छोटा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। देखिए उसने कहा है एन जो लेना है वो हम एम से बड़ा कितना भी ले सकते हैं। हम यहाँ एम प्लस वन से स्टार्ट हुए, मान लो इससे हमें 100th टर्म मिली है, ये 100th टर्म है हमारी और एम, तो ये 101 टर्म होगी। 101 टर्म से लेके मैं चाहे लाख टर्म तक ले लूं, या मैं करोड़ टर्म तक ले लूं, या मैं सिर्फ एक 101 से लेके 105 तक लूं, तो इन सब का जो सम होगा वो जो मैंने एप्सिलॉन लिया है वो उससे भी छोटा होगा। तो अब देखिए, अब वो ये यानी कि ये कहने का उसका मींस है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई mth टर्म आएगी। ये मैंने माना ये mth टर्म आई है हमारी यहाँ पर, तो m का लेकर सम n तक, यहाँ तक का, यानी कि इससे अगली जो टर्म होगी वो क्या होगी, ये वो जो टर्म आएगी यहाँ पर am प्लस वन होगी, उससे अगली am प्लस टू होगी, am प्लस थ्री होगी, और कहाँ तक जाना है हमें, ये an तक हमें जाना है। इनका सम, ये n जो है वो कहीं तक भी हो सकता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो am प्लस वन से लेके an तक का जो सम बनेगा वो क्या होगा, वो एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। अब देखिए कैसे हम इसे प्रूव करेंगे, तो देखिए देखिए प्रूफ इसका बहुत इजी है। देखिए, लेट समेशन ए एन बी दी गिवन सीरीज एंड एस एन बी दी सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स, पार्सल सम्स ऑफ समेशन ए एन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं कि पार्सल सम की सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म लेंगे तो वो एस वन बनेगी, पहली दो टर्म का सम लेंगे एस टू बनेगा, पहली तीन टर्म का सम लेंगे एस थ्री बनेगा, एस एन का मतलब पहली एन टर्म का सम लेंगे, तो यानी एक सिक्वेंस बन जाएगी। और हम सिक्वेंस के चैप्टर में ये पढ़कर आए हैं, वी नो दैट फॉर एनी सीक्वेंस ए एन टू बी कन्वर्जेंट, द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन इज दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम सच दैट ए एन माइनस ए एम, मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये थ्योरम हमने वहां पर प्रूफ की थी। तो देखिए, अब प्रूफ की थी हमने थ्योरम, अब इसी थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं सिक्वेंस एस एन फॉर द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सिक्वेंस एस एन इज दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम सच दैट एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। जो ये मैंने बताई है, ये हम पढ़कर आए हैं, इसका हमने यूज कर लिया एस एन के लिए, यानी ए की जगह हमने एस का यूज कर लिया, क्योंकि यहां पर सिक्वेंस एस एन चल रही है, तो ये हमने इसका यूज किया। अब देखिए, एस एन माइनस, बट एस एन माइनस एस एम का क्या मीन्स हुआ, तो आप देखेंगे यहां पर एस एन का क्या मीनिंग है, ए वन से लेके ए एन तक का सम, और इसमें कहीं ना कहीं ए एम भी आता होगा, ए एम प्लस वन भी आता होगा, एंड सो इस तरीके से हमारा ये चल रहा होगा।
यानी कहने का मीन्स ये हुआ, और इसमें से हमने माइनस करना है कहां से कहां तक का सम, A1 से लेके AM तक का सम, जहां पर M जो है वो लेस देन है एन से। तो अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से ये टर्म जो है A1 से लेके AM, A1 से लेके AM तक, ये आपस में कैंसल हो जाती है, यानी किसके इक्वल बचेगा, AM+1 प्लस AM+2 से लेके AN तक बचेगा आपका। ये देखिए ये वाली टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लस की है, और ये वाली टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस की, कैंसिल हो जाएगी, M+1 से लेके आपके पास N तक बचेगा। और तो यानी कि दिस इम्प्लाइज द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर दी कन्वर्जेंस ऑफ सिक्वेंस SN हैंस फॉर सीरीज समेशन AN। क्योंकि देखिए जो हम काम कर रहे हैं वो सिक्वेंस पर कर रहे हैं, लेकिन कर किसके लिए रहे हैं, सीरीज के लिए, क्योंकि हमें पता है सिक्वेंस ऑफ पार्शल सम और सीरीज का जो बिहेवियर है वो एक जैसा होता है। तो यहाँ पर तो जब हमने कहा कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कन्वर्जेंस की SN के लिए बन रही है, इसका मतलब किसके लिए बन रही है, सीरीज के लिए बन रही है, इज दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम सच दैट SNM-SM का जो मोड होगा वो लेस देन एप्साइलन होगा। लेकिन इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका मोड जो सब्ट्रैक्शन है वो इसके इक्वल है, यानी ये क्वांटिटी जो है हमारी वो लेस देन अपसाइलन होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के, और यही हमें प्रूव करना था। तो बिल्कुल इजी थ्योरम है, सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट का यूज किया है, इस स्टेटमेंट का जो हमने पिछले चैप्टर से उठाई है वो हम वहां से सीख कर आए हैं, उसी के बेस पर हमने कहा कि ये AN की बजाय SN का यूज कर लिया, और SN और -SM दिखाया वो ये क्वांटिटी बन रही है। तो इसी स्टेटमेंट में हमने यहाँ पर इसकी बजाय इसका यूज कर लिया, और ये हमारी नई थ्योरम बन जाती है जो हमें प्रूव करनी थी, और हमारा प्रूव हो गया। तो बड़ा सिंपल सा है, तो आपको बस बिल्कुल लॉजिकली चलना होता है, और बहुत ही इजी है ये थ्योरम से हमारी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी। देखिए ये थ्योरम है हमारी, इफ द सीरीज AN समेशन AN इज कन्वर्जेंट देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी AN इज इक्वल टू 0। वो ये कह रहा है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है, अगर समेशन AN ये कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है, आपको ये गिवन है, गिवन है समेशन AN इज कन्वर्जेंट। और प्रूव क्या करना है कि जो इसकी nth टर्म है, nth टर्म देखिए यहां पर SN नहीं लेने, यहां पर देखिए बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि SN ले रहे हैं, SN नहीं ले रहे हैं, यहां पर nth टर्म ले रहे हैं हम। nth टर्म का मतलब जो जिस क्योंकि जो सीरीज बनती है वो सिक्वेंस से बनती है, सिक्वेंस की टर्म्स का सम ही सीरीज होता है, यानी ये जो सीरीज बन रही है कि सिक्वेंस से बनी है, सिक्वेंस की nth टर्म जो है, यानी कि AN लिमिट एन टेंडिंग टू AN इन्फिनिटी जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। कहने का मीन्स ये हुआ कि कोई भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो जिस सिक्वेंस से ये सीरीज बनी है जो कन्वर्जेंट है वो सिक्वेंस कन्वर्ज करती है किसे, 0 को। ये हमें प्रूव करना है, इस बात का मतलब यही हुआ ना कि सिक्वेंस AN जो है वो कन्वर्ज करती है 0 को। तो यानी कि जब भी कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो तो हमेशा ऐसा होगा कि जिस सीक्वेंस की टर्म से वो सीरीज बनी है वो सीरीज किसको कन्वर्ज करती है, वो 0 को कन्वर्ज करती है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अब कैसे मैं प्रूफ करने लगा हूं, तो प्रूफ बिल्कुल इजी है। देखिए आप लिखिए लेट SN डिनोट्स दी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दी सीरीज समेशन AN एंड SN-1 डिनोट्स दी सम ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स, एन माइनस वन टर्म्स ऑफ द सीरीज समेशन ए एन। अब देखिए यानी कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, इसमें ए एन, ए एन से पहले ए एन माइनस वन भी आएगा, मैंने वो भी लिख दिया, तो ये आपका एस एन है। और एस एन माइनस वन क्या बनेगा, यानी कि आपने टर्म का सम लिया एन माइनस वन तक, तो ये एन माइनस वन तक आया आपका। मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो देखिए एस एन माइनस एस एन माइनस वन किसके इक्वल आएगा, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा सारी टर्म कट जाएगी, सिर्फ ए एन बचेगा। यानी कि अब यहां से आप ये कह सकते हैं कि ए एन किसके इक्वल आया है, एस एन माइनस वन के। अब लिमिट ए एन में अगर लेता हूं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका एस एन माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन आएगा। अब ये किसको कन्वर्ज करेगा, एस को, और ये भी किसको कन्वर्ज करेगा, एस को, और इक्वल टू जीरो। अब बात समझ नहीं रह गई आपकी ये कि ये एस को क्यों कन्वर्ज किया, तो देखिए एज सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो उसकी जो सीक्वेंस होगी पार्शियल सम की वो कन्वर्ज करेगी किसी फाइनाइट क्वांटिटी को। मैंने कहा कि वो किसको कन्वर्ज की है, वो एस, वो कन्वर्ज कर रही है एस को, तो मैं एस एन कहूं या एस एन माइनस वन कहूं, तो है तो ये सीक्वेंस वही पार्शियल सम की, ये भी सीक्वेंस पार्शियल सम की है, ये भी सीक्वेंस पार्शियल सम की है, मैंने सिर्फ नाम बदला है, यहां पर ए एन माइनस वन से शो कर दिया और यहां से मैंने एस एन से शो कर दिया, तो ये दोनों है तो पार्शियल सम की सीक्वेंस ही, और किसके पार्शियल सम की सीक्वेंस है, सीरीज ए एन के, और सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो मैं ये लिखूं या एस एन माइनस वन लिखूं, दोनों किसको कन्वर्ज करेगी, एस को कन्वर्ज करेगी, तो ये भी एस को कन्वर्ज करेगी, ये भी एस को, तो एस माइनस एस जीरो, और ये हमारा प्रूव हो गया। इट मींस कि जो सीक्वेंस ए एन है इज कन्वर्जिंग टू जीरो, इट मींस जो सीक्वेंस ए एन है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, जीरो को कन्वर्ज कर रही है। अब इसका हमें कन्वर्स पार्ट करना था कि कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू, जो थ्योरम का कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। अब कन्वर्स क्या बनेगा, मींस दैट इज इफ फॉर एनी सीरीज समेशन ए एन सिक्वेंस ए एन कन्वर्जिज टू जीरो डज नॉट इम्प्लाई सीरीज समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। देखिए इसका यानी कन्वर्स ट्रू नहीं होता, यानी कि इसका मतलब देखिए हमने कहा कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो सीक्वेंस ए एन बनी है, यानी कि जो सीरीज बनी है कि जिस सीक्वेंस से बनी है सीरीज, तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है जीरो को। लेकिन अगर कोई सीरीज दी हुई है आपको समेशन ए एन, और आपने ये देखा कि उस जिससे ये जिस सीक्वेंस से ये बनी है वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है जीरो को, तो इसका मीन्स ये नहीं है कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट जरूर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी। और इसी बात को ये भी कह सकते हैं हम, इफ एनी सीरीज समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट देन समेशन सीक्वेंस ए एन मे आल्सो कन्वर्ज टू जीरो, यानी कि अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है तब भी, डाइवर्जेंट है तब भी, या ये कहेंगे कन्वर्जेंट नहीं है तब भी, जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कर सकती है जीरो को। अब देखिए इसका एग्जांपल दिया जाता है, जब भी कोई चीज ट्रू नहीं होती, काउंटर एग्जांपल इसे बोलते हैं, यानी जब भी कोई चीज डिसप्रूव करने के लिए एग्जांपल दिया जाता है उसे काउंटर एग्जांपल बोलते हैं। देखिए समेशन वन बाय एन, समेशन वन बाय एन सीरीज है एक,
तो आप दिखाएंगे यहाँ पर जो इसकी मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँ 1/n, क्योंकि इसकी nth टर्म 1/n है, कितनी आएगी 0 को। ये देखिए यही 0 को कन्वर्ज कर रही है इसकी सिक्वेंस ए एन, लेकिन बट जो समेशन 1/n सीरीज है इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है बाय पी टेस्ट। बुक में दूसरे तरीके से किया है, अभी पी टेस्ट हम हालांकि अभी आगे पढ़ेंगे, पी टेस्ट से मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि समेशन 1/n जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होती है, ये अभी आगे आएगा, क्योंकि इससे बताना बिल्कुल ईजी है, जो बुक में मेथड दिया हुआ है एस जो हमने अभी थ्योरम की है उसका यूज करके वो थोड़ा मुश्किल है, तो हम उसका, हमें जरूरी नहीं है कि हम उसका यूज करें, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि समेशन 1/n सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है पी टेस्ट से, क्योंकि जब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा उस टाइम तो हम सब कुछ कर चुके होंगे, तो हम किसी भी रेफरेंस दे सकते हैं, किसी भी रेफरेंस से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो सीरीज हमने ली है ये डाइवर्जेंट है। हमें यह प्रूव नहीं करके दिखाना, सिर्फ लिखना है कि ये पी टेस्ट से डाइवर्जेंट है, यानी कन्वर्जेंट नहीं है, और लेकिन इसकी जो nth टर्म है, यानी जो ये जिस सिक्वेंस से ये बनी है उस सीक्वेंस की nth टर्म 1/n है, और ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है 0 को। देखिए सीरीज डाइवर्जेंट है, फिर भी उसकी जो जो जिससे ये सीक्वेंस बनी है, जिस सीक्वेंस से ये सीरीज बनी है वो कन्वर्ज कर रही है किसे 0 को, तो ये कन्वर्स है। कन्वर्स को समझना बहुत जरूरी है, आप दोबारा से पढ़ेंगे, आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा इसे, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा कि कन्वर्स का क्या मतलब है। कन्वर्स का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि अगर कोई, देखिए हमने प्रूव किया अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो जिस सीक्वेंस से वो सीरीज बनी है वो जरूर कन्वर्ज करेगी 0 को, लेकिन अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट हो तब भी जो जिस सीक्वेंस से वो सीरीज बनी है वो कन्वर्ज कर सकती है 0 को, लेकिन हमेशा करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हमने ये दिखाया कि देखिए यहां पर ऐसा ये जरूरी नहीं है, ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट हो रही है, लेकिन ये सीरीज डाइवर्जेंट है, लेकिन इसकी जो जिस सीक्वेंस से ये बनी है ये सीरीज वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है 0 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी एग्जाम के व्यू पॉइंट से। देखिए अब इस थ्योरम की हम एप्लीकेशन करने लगे, ये यूज कैसे होगी, किस लिए यूज होगी, इस थ्योरम का हम यूज करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि कोई सीरीज डाइवर्जेंट है यानी कन्वर्जेंट नहीं है, तो इस थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं कैसे। देखिए अब इस थ्योरम से देखिए, हमने ये कहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि ये एन बाई टू एन प्लस वन जिस की यानी एक सीरीज है जिसकी nth टर्म ये है ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम सिंपल सा ये दिखा सकते हैं, यहाँ पर ए एन जो है वो एन बाई टू एन प्लस वन है, और यहाँ पर अगर मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन करूँगा तो देखिए कितना आ रहा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन बाई टू एन प्लस वन, मैं यहाँ से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, इसमें से मैं टू कॉमन ले रहा हूँ, अंदर से बचेगा आपके पास एन, सॉरी इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ एन, और अंदर बचेगा आपके पास टू प्लस वन बाय एन, इस एन से ये कैंसल। अब यहाँ पर देखिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कराऊंगा तो आपके पास क्या आएगा, वन ऊपर से, और ये 0 हो जाएगा यानी 1/2, यानी ये कन्वर्ज नहीं कर रही 0 को, यानी कि जब भी किसी सीरीज की जो nth टर्म है उसकी हम लिमिट निकालेंगे वो 0 को कन्वर्ज ना करे, ये इस बात को इम्प्लाई करेगा कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है, इज नॉट कन्वर्जेंट। तो हमने इस थ्योरम का यूज किया, इस थ्योरम के उल्टे का यूज किया यानी रिवर्स का यूज किया, हमने ये कहेंगे कि अगर, क्योंकि हमने को ये बताया था कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो तो जो उसकी सीक्वेंस जिस सीक्वेंस से वो सीरीज बनी है वो कन्वर्ज करेगी 0 को, और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही 0 को उससे बनने वाली सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, हमने इस बात का यहाँ पर यूज किया है। तो यानी हमने nth टर्म निकाली, यानी कि इस सीरीज की nth टर्म का मीन्स है कि जिस सीक्वेंस से बनी है उसकी nth टर्म आई है, और ये हमने दिखाया कि ये कन्वर्ज कर रही है 1/2 को, यानी ये 0 को कन्वर्ज नहीं कर रही, तो बाय दिस थ्योरम तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका मीन्स ये हुआ कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, ये आपको याद रखना है, तो बहुत क्वेश्चन के एग्जाम व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये।